गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हम नहा धोकर तैयार हो चुके हैं और अब करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद निकलते हैं फिर भीमताल, और भीमताल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर। चलिए घुमाते हैं आपको और मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट पे। देखिएगा, ये था हमारा होटल। होटल कायकास, और अब हम यहाँ से निकलते हैं भीमताल के लिए और चलते हैं। और अभी हमारी धनों को लगी है थोड़ी भूख, तो अभी कराना होगा हमको रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग कराने के बाद हम लोग निकलेंगे भीमताल। तो देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पर मिलेगा। और ये देखिएगा, बिल्कुल माल रोड के ऊपर ही हमने ये लिया हुआ था, और ये तल्ली ताल है। अभी हम लोग रुके हैं चाय पानी के लिए और हम भीमताल के बिल्कुल नज़दीक हैं। देखिए, आपको दिखेगा मेरे पीछे की तरफ पूरा भीमताल का एरियल व्यू है। ये देखिएगा, पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे भीमताल, और भीमताल की जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर के लिए। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं सीधा भीमताल। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, और ये देखिएगा भीमताल आपको मेरे राइट हैंड में दिखाई दे रहा होगा दूर तक। मौसम थोड़ा सुधरता जा रहा है, देखते हैं क्या हालत होती है। बाकी यहाँ पर आपको बोटिंग, पैडल बोटिंग और सारी कई बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। भीमताल के बीचों बीच एक फिश एक्वेरियम है। ये बीच में जो है, ये है वो एक्वेरियम, और ये पूरा भीमताल का व्यू है। भीमताल से सातताल जाने के लिए हमने ये नया शॉर्ट रास्ता खोजा है, और ये रास्ता बिल्कुल ट्रैफिक जाम से बच के भीमताल से अगर आप सातताल जाएंगे तो नॉर्मली 11 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, और इस रास्ते से आपको कुल 2-3-4 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। रास्ता देखिएगा, अंदर गांव में से होके जाता है, बहुत अच्छा रास्ता है, कोई ख़राब रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा क्या मज़ेदार है। और इस रास्ते पे आने का मैं आपको रास्ता बताऊं, अगर आप भीमताल आएँ तो, अगर आप उधर से आ रहे हैं, क्या नाम है, हल्द्वानी की तरफ से आ रहे हैं, तो जब भीमताल के लिए अंदर एक सिटी में रास्ता घुसता है और एक सीधा चला जाता है तल्ली ताल से। तो तल्ली ताल से सीधे निकलेंगे तो आपको आके आगे पड़ेगा एक टी पॉइंट, और टी पॉइंट से एक रास्ता ऊपर की तरफ पहाड़ों पे चला जाएगा, तो एक छोटा सा सीमेंटेड रोड जा रहा है लेफ्ट हैंड पे। तो आप ऊपर ना जाके लेफ्ट हैंड वाला रास्ता पकड़िए और सीधा इस रास्ते पे आ जाइए, और देखिए उसके बाद आपको ये रास्ता मिलेगा। है गजब मज़ेदार रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एकदम बढ़िया, और मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं सातताल, और ये नज़ारा बहुत अल्टीमेट है, मज़ेदार नज़ारा है। यहाँ पर मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, जावेद भाई हमारे मज़े लेने लगे हुए हैं वहाँ पर हमारे साथ, बहुत मज़ा ले रहे हैं हमारा वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये थोड़ा एक बैठने की जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिएगा, इधर ये वहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वहाँ तक दूर तक है ये, और ये ताल मेरे को गोवा से ये ताल देखना पड़ा। ये मेरे को नैनीताल से भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको अभी फिलहाल इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ।
नैनीताल घूमने आए हैं, और अगर आपको भीमताल घूमते हुए मुक्तेश्वर अगर जाना है तो आप भीमताल आइए। भीमताल से यहाँ पहले सातताल घूमिए, सातताल घूमने के बाद फिर भीमताल घूमिए, और भीमताल से निकलते ही यहाँ से खुटानी एक ये गांव है खुटानी, और खुटानी से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, तो ये मुक्तेश्वर के लिए रास्ता है और ये शॉर्ट रास्ता है। आपको भुवाली नहीं जाना पड़ेगा, भुवाली जाने के लिए तो आपको 12-13 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा और फिर मुक्तेश्वर वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो ये रास्ता है यहाँ पर, ये सही है। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर मंदिर, और इस मंदिर की हिस्ट्री लगभग 5350 साल पुराना मंदिर है ये। और चलिए चलते हैं, हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और इसके बाद लेकर चलते हैं आपको चोली की जाली दिखाते हैं। चलिए ले लीजिए। हाँ तो चलिए चलते हैं हम मुक्तेश्वर धाम टेम्पल। ओह चलिए चलते हैं। और कल एक्चुअली मेरे साथ एक सीन हो गया, और एक गाड़ी वाले ने मेरे को साइड दी, मार दी, और मैं सड़क पर फिसल गया और मेरा बहुत तगड़ा क्रैश हो गया। बहुत तेज एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे घुटने में थोड़ा क्रैंक आया है, चोट लगी है, और हाथ में भी लगी हुई है, छिल गया है मेरा, और बाइक में तो बहुत नुकसान हुआ है मेरा, लेग गार्ड मुड़ गया है और लाइट के कवर भी बेकार हो गया है। चढ़ाई है, थोड़ी कम चढ़ाई है, और ये पीछे हमारे जावेद भाई आएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, कल का एक्सीडेंट के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, फिर हम रात को हॉस्पिटल लेकर रुक गए। एक्चुअल में हम लोग मुक्तेश्वर कल ही आ गए थे, कल आने के बाद हमने यहीं रेस्ट लिया, हिम्मत भी नहीं हुई बिल्कुल जाने की आगे, क्योंकि बहुत चोट लगी थी और घुटना मेरा अभी भी अकड़ा हुआ है। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। ओह ये देखिए, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा चढ़ाई, और जावेद भाई नहीं आ रहे अभी। ओह अपने आपको फिजिकली फिट करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द मेरी एक ट्रैकिंग वाला ब्लॉग आ रहा है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ट्रैकिंग करना मेरे को बड़ा मुश्किल होने वाला है। ऐसे ही पूरा नहीं करते। पंडित जी इधर से घूमना है परिक्रमा के लिए, पूरा नहीं करते, आधा करते। अच्छा आधा करके फिर उतर जाऊँ वहीं से। अच्छा अच्छा ठीक है। ये टेंपल है, टेंपल की हम परिक्रमा कर रहे हैं, और मान्यता है कि इसका हॉक चक्कर ही लगाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं वापस नीचे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि एक बहुत बेहतरीन नज़ारा, शानदार, बिल्कुल हिमालयन का 180 डिग्री व्यू पूरा पूरा का पूरा।
तो गाइज अब हम लोग पंचाचूली के दर्शन करने के बाद और व्यू पॉइंट से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चोली की जाली। और मेरे पीछे का व्यू देखिएगा कैसा बेहतरीन है। पीछे के व्यू में तो मैं हूँ यार। और ये जावेद भाई है। मजा आ गया यार। कभी आप मुक्तेश्वर आओ ना तो इसमें जो वीडियो में पीछे का जो हमने आपको दिखाया है वो देखना, शानदार व्यू है यार। वो मुक्तेश्वर का मतलब बेस्ट, मैं कह सकता हूँ बेस्ट जगह है वो। आप वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और होटल से वहाँ पर। और यहाँ का जो रिजॉर्ट है ना उसका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइक मारते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, लाइक करते चलो। और आप लोगों का प्यार मिलता रहे आगे, हम लोगों हम मोटिवेट होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिएगा जंगल का व्यू है, जंगल का रास्ता है। हम लोग व्यू पॉइंट से होते हुए जंगल के रास्ते होते हुए चोली की जाली जा रहे हैं। और अभी तक तो मजा ही आ रहा है बहुत ज़्यादा। कल तक थोड़े डिसअपॉइंट थे, क्यों पता नहीं क्या हुआ, बारिश हुई थी, पूरा दिन खराब हुआ था, फिर ऊपर से हो गई एक जगह पर, मेरा क्रैश हो गया, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि पूरा दिन हमारा उसी में रहा बारिश में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जो है धूप खिली हुई है चारों तरफ और मजा आ गया यार, मतलब उस व्यू में गजब। तो जावेद भाई पैसे वसूल हो गए आपके ट्रिप के यार, मतलब इस राइड के ना। हमें लगा था मुक्तेश्वर में शायद कुछ नहीं है, मैं पहले भी आया हूँ तो हम आगे से होकर निकल जाते थे, बट ये जो पॉइंट जो आपने देखा है वीडियो में पीछे, ये तो शानदार है, अल्टीमेट है। आप यहाँ जरूर आना यार, ये मंदिर की साइड से रास्ता है, मंदिर से राइट से आप नीचे निकल करके आप आओगे ना तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, उसको जरूर आप एक बार देखना। हमारी ये राइड 3 दिन की छोटी सी राइड थी और हमने बस ऐसे ही चिल करने के लिए बना लिया था, क्योंकि जावेद भाई तो मेरे से भी ज़्यादा नैनीताल घूमे हुए हैं और मैं 2 बार आया हुआ हूँ, एक बार तो बस ऐसे ही जाकर आ गया हूँ और एक बार मैं रुक कर गया हूँ। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं चोली की जाली और यहाँ पर बेसिकली एक चट्टान के अंदर से हॉल है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इसकी मान्यता ये है मार्च के महीने में जो पहली शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि पे जो लोग महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो वो लोग, वो महिलाएं यहाँ पे आके मन्नतें मांगती हैं तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है इस जाली की। और बोलते हैं कि उनको बच्चे प्राप्त होते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको चोली की जाली, जनरली ये है चोली की जाली। और ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये चट्टान के ऊपर से होल है और इसी में से मन्नत मांगते हैं। आगे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि ये दुर्घटना संभावी क्षेत्र है। और ये देखिएगा व्यू, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा स्नो कवर हो जाता है बर्फ़ पड़ती है तो। अभी दिसंबर का महीना है, बर्फ़ तो पड़ने वाली है शायद, और लेकिन अभी नहीं हुई है। ये एक बार और देखिएगा चोली की जाली। और क्या नाम है भैया आपका? पांडे। और ठीक है, और क्या क्या बनाते हो आप? मैं रात में चावल बनाता हूँ यहाँ पे, कड़ी चावल बनाता हूँ और पकौड़े बनाता हूँ मिक्सी मिक्सी में, और ये जो रात में चावल बनाता हूँ हांडी में बनाता हूँ, ये हांडी है रात में चावल की, ये मेरा बनाता हूँ। ये देखिएगा गाइस, चोली की जाली घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, जो इसका मेन रास्ता है वो यही है। और हम लोग आए हैं पीछे हिमालयन व्यू वाले रास्ते से, नीचे जंगल वाले से, और ये मेन रास्ता है। मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर है उसके जस्ट बराबर से रास्ता है और ये मेन रास्ता है इसका। और लेकिन आप, आप अगर पहले चोली की जाली आना चाहते हैं तो इस रास्ते से आइए, और अगर आप हिमालयन व्यू लेकर आना चाहते हैं तो आप पीछे से मुक्तेश्वर
धाम मंदिर के जस्ट बराबर से एक रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा है, सड़क है ये, राइट हैंड से सड़क जा रही है, पक्की सड़क है। अगर आप अपने व्हीकल से हैं या बाइक से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, तो आप बाइक या व्हीकल फोर व्हीलर लेकर जा सकते हैं वहाँ तक, और वहाँ तक जाइए और वहाँ से फिर पूरा व्यू का लीजिए। मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा आपको। ऐसा व्यू आपको चंद्रशिला से मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा, इतना बेहतरीन व्यू, मतलब मज़ा ही आ गया मेरे को देखकर, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हर जगह है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे होटल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल में कुछ ब्लॉगर्स ने कुछ ब्लॉग में बताया है कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है, तो हमको भी डर लगा था आने के टाइम पर मुक्तेश्वर नैनीताल एक्सप्लोर करने के बाद कि शायद नहीं मिलेगा होटल। होटल है, और नीचे की तरफ आप सोचेंगे कि मुक्तेश्वर धाम से नीचे की तरफ, तो होटल में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, थोड़े महंगे भी हैं। फिर अगर आपको खर्चा ही करना है ना, तो थोड़ा आगे आ जाइए, और रिजॉर्ट अच्छे अच्छे रिजॉर्ट मिलेंगे आपको 1800। उस रिजॉर्ट का आपको ऊपर 1800 रुपये का पड़ेगा, और नीचे 3500 का बिल्कुल ऐसी जगह रूम मिलेगा कि आप बहुत शानदार 3500 और 240, मतलब 2400 रुपये उसमें बताया था उन्होंने, तो मुझे तो वो बिल्कुल वर्थ लगा। और मैं कह रहा हूँ अगर सुबह सुबह उठते ही खिड़की से बाहर पर्दा हटाते ही अगर ऐसा व्यू मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ उसके 4500 क्या, कुछ 6000 भी लेना, तो मज़ा ही आ जाएगा। फैमिली के साथ आए वहीं तक लोगों के लिए जो हनीमून मनाने आ रहे हैं, जावेद भाई तुम्हारा सही बता रहा हूँ मैं, हनीमून अगर तुम मनाने आ रहे हो ना, और आपका ये है कि आप नैनीताल अगर आप आ रहे हो हनीमून करने के लिए, तो मुक्तेश्वर आओ, और मुक्तेश्वर वहाँ बुकिंग करो यार, भाई साहब पैसा वसूल है आपका हनीमून का, सही बता रहा हूँ मैं। जावेद भाई ने कपल्स जो है ना उनके लिए मतलब एक बहुत अच्छा प्रमोशन कर दिया। हाँ, कपल्स के लिए डेफिनेटली बिल्कुल श्योर, बहुत अच्छी जगह, पूरा एकदम ढकी हुई पहाड़ियाँ सामने से आपको नजर आएंगी, स्नो कवर्ड, आपकी जो विंडो है उसको जैसे आप कर्टेन उधर से हटाएंगे ना, सामने एकदम भाई साहब जबरदस्त, अपनी वाइफ को भूल जाओगे, मतलब इतना शानदार नजारा है। अरे भाई किसी के वाइफ को मत भूलवाओ, वरना को भूल जाओगे भाई साहब, वरना उसकी बेचारे की लड़ाई होगी। और नहीं सीरियसली बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप रोमांटिक राइड पे आ रहे हैं, तो दिसंबर लास्ट तक ही आइए आप, दिसंबर लास्ट तक आएंगे तो ये सब जगह आपको स्नो मिलेगी मस्त। चलिए गाइस अब हम लोग निकलते हैं मुक्तेश्वर से, और ये मुक्तेश्वर की मार्केट है, यहीं पर हमने रूम लिया था, तो रूम हमको पड़ा 1200-1300 रुपये का, और प्लस खाना मिला के हमको 1800 रुपये में नाइट का स्टे हो गया हमारा, उसमें खाना और ब्रेकफास्ट हो गया, तो ओवरऑल तो बढ़िया रहा एकदम। और ये मुक्तेश्वर से उतर रहे हैं, कल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, वो एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक में भी कुछ दिक्कतें हो चुकी हैं, तो अब घर जाकर ही कराऊंगा मैं इसको, यहाँ तो नहीं करा रहा हूँ। और ये रास्ता है मुक्तेश्वर का, तो अभी स्नो शायद इस हफ्ते अगले हफ्ते तक स्नो पड़ जाएगी। और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, भालू वाटरफॉल, और वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और मेरे पैर में चोट होने की वजह से मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो भालू वाटरफॉल हम लोग नहीं जा रहे हैं। और ये मेरा मोबाइल होल्डर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, किसी ने इसको छेड़ा है, तो मुझे ये थोड़ा टाइट कराना पड़ेगा।
ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ हाई कोर्ट। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बिजली गुल मीटर चालू, शाहिद कपूर की मूवी, उसमें जो ये हाई कोर्ट है यही है वो हाई कोर्ट। और ये देखिए मेरे राइट हैंड पे पेड़ों के बीच है, अंदर तो जाकर दिखा नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का मामला है और ये सरकारी बिल्डिंग है, तो ये रास्ता है ये उच्च न्यायालय का। और ये देखिए दिखाई दे जाएगी आपको ये सामने।